अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिला हमीरपुर में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए जिला संयोजक अनिल ठाकुर ने विद्यार्थी परिषद के आगामी आंदोलनों तथा जिला हमीरपुर के शैक्षणिक क्षेत्र में समस्याओं को लेकर प्रेस वार्ता को संबोधित किया है, जिसमें जिला संयोजक अनिल ठाकुर ने कहा कि प्रदेश का एकमात्र तकनीकी विश्वविद्यालय जिला हमीरपुर के अंदर चल रहा है, लेकिन सरकार अभी तक वहां पर नियमित रूप से शिक्षकों तथा गैर शिक्षकों की भर्ती करवाने में असफल रही है। सरकार की शिक्षा नीतियां केवल मात्र कागजों तक ही सीमित रह गई हैं। धरातल पर सरकार के वायदे नाकाम दिखते हैं। प्रदेश के एकमात्र तकनीकी विश्वविद्यालय को चलाने में सरकार असमर्थ रही है, तो किस प्रकार वे लाखों युवाओं को एक अच्छी शिक्षा का दावा कर रही है। विद्यार्थी परिषद मांग करती है कि तकनीकी विश्वविद्यालय के अंदर नियमित रूप से शिक्षक वर्ग गैर शिक्षक वर्ग की भर्तियां हो, एक अच्छी शिक्षा विद्यार्थियों को मिल सके। NIT हमीरपुर में सत्र 2020 और 21 में PhD के शिक्षणार्थियों को जो छात्रवृत्ति केंद्र सरकार द्वारा दी जाती थी, लेकिन इस बार NIT प्रशासन ने फंड रिलीज न होने का हवाला देकर विद्यार्थियों से लिखित रूप में NOC लेकर विद्यार्थियों को प्रवेश दे दिया कि यदि फंड रिलीज नहीं होता तो शिक्षणार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं दी जाएगी। लेकिन केंद्र सरकार की ओर से छात्रवृत्ति का फंड रिलीज कर दिया गया है, लेकिन अब NIT प्रशासन इस छात्रवृत्ति को देने से इनकार कर रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यह मांग करती है कि इन विद्यार्थियों को या निर्धारित छात्रवृत्ति दी जाए। जिला हमीरपुर के अंदर चल रहे मेडिकल कॉलेज के भवन का निर्माण जल्द से जल्द हो, विद्यार्थी परिषद मांग करती है, जिसे केवल मात्र हमीरपुर की जनता ही नहीं हमीरपुर के आसपास के सभी क्षेत्र लाभान्वित होंगे, इसलिए जल्द से जल्द इस भवन का निर्माण किया जाना चाहिए। छात्र संघ चुनावों को जल्द से जल्द प्रदेश सरकार बहाल करे, अन्यथा हिमाचल के लाखों विद्यार्थी प्रदेश सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर लड़ाई लड़ेंगे। विद्यार्थी परिषद मांग करती है कि जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव बहाल करे। SC ST छात्रवृत्ति जो 2 साल से छात्रों को नहीं मिली है, विद्यार्थी परिषद मांग करती है कि छात्रवृत्ति जल्द से जल्द जारी की जाए। निम्नलिखित मांगों को लेकर विद्यार्थी परिषद ने आंदोलन की भूमिका निभाई। 7 अक्टूबर को DC व SDM को ज्ञापन पत्र सौंपेगी। वहीं 9-10 अक्टूबर को मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री तथा राज्यपाल को डिजिटल के माध्यम से पत्र सौंपा जाएगा। 12 अक्टूबर MLA MP को ज्ञापन सौंपा जाएगा। 13-14 अक्टूबर को हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। 16 अक्टूबर को जिला केंद्रों पर प्रदर्शन किया जाएगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिला हमीरपुर की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई गई जिसमें विद्यार्थी परिषद हिमाचल प्रदेश में कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें जिलों के अंदर जो भी समस्याएं हैं उनको लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, जिसमें हम हमीरपुर जिला की बात करें। हमीरपुर जिला के अंदर चल रहा प्रदेश का एकमात्र तकनीकी विश्वविद्यालय, जिसमें अनेक अनियमितताएँ हैं, वहाँ पे जो हैं शिक्षक जो है नियमित रूप से नहीं है, गैर शिक्षक वर्ग वहाँ पे नियमित रूप से नहीं है, डेपुटेशन पे लगाया गया है। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि जो तकनीकी विश्वविद्यालय के अंदर जो हैं जो शिक्षक हैं उनको जो है नियमित रूप से वहाँ पे रखे जाएं, गैर शिक्षक वर्ग जो है नियमित रूप से वहाँ पे रखा जाए। दूसरी मांग हम करते हैं मेडिकल कॉलेज की, जिसके लिए भूमि जो है मंजूर हो चुकी है, जमीन मंजूर हो चुकी है। विद्यार्थी परिषद मांग करती है जल्द से जल्द वहां पे भवन का निर्माण हो तथा वहां पे जल्द से जल्द जो सुविधाएं जो मेडिकल, जिसमें हमीरपुर जिला ही नहीं मेडिकल की सुविधाएं ले रहा, हमीरपुर जिले के आसपास के जो भी जिले हैं जो नज़दीक के क्षेत्र हैं उनके लिए मेडिकल कॉलेज अगर हमीरपुर के अंदर सही तरीके से बन जाता है तो वहां के लोग भी वहां से लाभार्थी हो पाएंगे हमीरपुर मेडिकल कॉलेज से, उसका जो है निर्माण होना चाहिए। इसमें NIT के अंदर जो PhD के स्कॉलर हैं उनको जो फंड रिलीज हुआ है उसके माध्यम से उनके लिए स्कॉलरशिप जो है उपलब्ध करवाई जाए। इसमें जो है तुगलकी फरमान NIT का विद्यार्थी परिषद का विरोध करती है तथा मांग करती है कि उनको जो है स्कॉलरशिप उपलब्ध कराई जाए यदि सरकार ने फंड रिलीज किया है। इसमें रहेगा हमारा और तकनीकी विश्वविद्यालय का, जैसे ही इसमें अनेक समस्याएं थी, मेडिकल कॉलेज की अनेक समस्याएं थी और NIT की अनेक समस्याएं थी, छात्र संघ चुनाव जिसमें हम लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं प्रदेश सरकार से, पूर्व सरकार से भी लड़ी, वर्तमान सरकार में हम लंबी लड़ाई विद्यार्थी परिषद लड़ रही है। हम चाहते हैं छात्र संघ चुनाव भी जो है प्रदेश सरकार बहाल करे, जो अपना वादा उन्होंने लाखों छात्रों से किया था हिमाचल प्रदेश के उसे पूरा करे। इन्हीं समस्याओं को लेकर हमने आंदोलन भी बनाए हैं,
7 अक्टूबर को विद्यार्थी परिषद जो है डीसी और एसडीएम के माध्यम से शिक्षा मंत्री को ज्ञापन देगी, और इसमें 9-10 अक्टूबर को सीएम और शिक्षा मंत्री और राज्यपाल महोदय जी को जो है ईमेल के माध्यम से हमारा ज्ञापन पत्र रहेगा। इसमें 12 और 13 अक्टूबर को विद्यार्थी परिषद का हस्ताक्षर अभियान चलेगा, जिसमें 12 अक्टूबर को जो है हम एमएलए और एमपी को, स्थानीय जो एमएलए एमपी हैं उनको मांग पत्र सौंपेंगे, उनको ज्ञापन सौंपेंगे। 16 अक्टूबर को सभी जिला केंद्रों के अंदर, हमीरपुर जिला केंद्र के अंदर जो है विद्यार्थी परिषद एक जिला स्तर का आंदोलन करेगी तथा इस बहरी और गुंगी सरकार को जगाने का प्रयास करेगी। इसी के लिए आज विद्यार्थी परिषद ने अपनी प्रेस वार्ता बुलाई, ताकि इस सरकार को जो है मीडिया के माध्यम से चेतावनी दी जाए कि विद्यार्थी परिषद अब उसके खिलाफ सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी।